अज आपां जिस टॉपिक ते गल करने आ वो है नी स्टेबिलिटी, मतलब जिम दे विच इदां दीआं कीड़ियां एक्सरसाइजेज ने गईआं जिन्हां दे करके तुहाडे गोडे दे विच दर्द आ सकदा है, उहदे बारे अज आपां इस वीडियो ते गल करांगे। अज इस वीडियो तो पहलां वालीआं वीडियोज़ दे विच आपां जिम दे विच शोल्डर दे विच की इंजरी हो सकदी है, बैक दे विच की इंजरी हो सकदी है, उहदे बारे डिस्कस करिआ सी। उहनां नूं अवॉइड करन वास्ते जिहड़ीआं नी एक्सरसाइजेज कर सकदे सी उहनां बारे गल करी सी आपां, ते अज आपां गल करांगे गोडे बारे, गोडे नूं किवें सेफ रख सकदे आ आपां जिम दे विच, किहड़ियां-किहड़ियां एक्सरसाइजेज डेली नहीं करनिया चाहीदियां, किहड़ियां डेली करनिया चाहीदियां, उहदे बारे गल करांगे ताकि आपां गोडे नूं सेफ रख सकीए। सब तो पहलां तां जे आपां गल करिए कि गोडे दे विच इंजरी क्यों हुंदी है, तां 90% इंजरी दे चांसिस हुंदे ने गोडे दे विच होण दे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं होंगी या फिर ईगो लिफ्टिंग हो रही होंगी है, मतलब जे थोनों पता नहीं कि जी एक्सरसाइज में तुम किमें सही परफॉर्म करना गा उस दे बावजूद भी तुम उन्होंने करते हो गए थोड़े गोडे के उत्ते एक्सट्रा स्ट्रैस आता है, उस एंगल दे विच स्ट्रैस आऊगा जिहड़े एंगल दे विच गोडा नहीं चल सकता है तो इंजरी होनी ही होनी है, या तो लिगामेंट फट जाएंगे या लिगामेंट स्ट्रैच हो जाएंगे या फिर थोड़ा जो चप्पनी है पटेला हैगा वो आपकी जगह तो इधर उधर मूव हो जाता होंगे। तो ये किहड़ियां-किहड़ियां एक्सरसाइजेज़ आउंदियां नेगियां, ये सब तो पहले तो अपने स्क्वैट्स ही आते हैं कि जो भी स्क्वैटिंग कर रहे होंगे गे आप उस टाइम के उत्ते पैरों के स्टांस जिधर नू अपने पैर जा रहे हैं स्क्वैटिंग करने वेले गोडे उधर नू ना जाना, जे तुसीं गोडे जिधर नू पैर जा रहे हैं उधर नू नहीं लैके जा रहे, अंदर नू आ रहे हैं या बाहर नू आ रहे हैं या थल्लों उठते टाइम आए अंदर नू आउंदे ने फिर थोनों गोडे की इंजरी होने के ज़्यादा चांसिस होंगे ने, तो कोशिश करना कि इस चीज़ को तुसीं अवॉयड करना है स्क्वैट्स करते दौरान यह प्रॉब्लम ना आए गोडे अंदर बाहर नू ना हो, यह जो हो रहे होंगे वो भी थोड़ी नी इनस्टेबिलिटी के ही सिमटम होंगे ने कि थोड़ा नी गोडा जिहड़ा थोड़ा वो इनस्टेबल होया वैगा उहदे विच स्टेबिलिटी घट है, वो मसल वीक ने जिन्हों उन्हें एक थान ते फड़ के रखना गा, मतलब गोडे नूं भी जे तुसीं कह रहे हो कि नहीं कंट्रोल होंदा गोडा अंदर नूं आउंदा बाहर नूं जांदा तो इहदे विच थोड़ा कसूर नहीं, थोड़े वो मसल वीक ने गे जिन्हां ने थोड़े गोडे नूं एक थान ते बन्न के रखना गा, तो उही मसल्स नूं आपां टारगेट करांगे। सब तो पहलां आपां जाणदे आ कि कि मसल होंदे ने जिहड़े गोडे नूं स्टेबल रखण दे विच कम करदे ने, सब तो पहला मसल थोड़ा हिप मसल, अपने हिप दे विच ग्लूट्स मसल होंदे ने गे, ग्लूट्स ग्लूटियस मिनीमस हो गया, ग्लूटियस मीडियस हो गया, ग्लूटियस मैक्सीमस हो गया, तो यह तीन चार तरह के ग्लूट्स मसल होंदे ने, इन्हां दे विच जिहड़ा ग्लूटियस मिनीमस मसल है उहदा सब तो मेन रोल होंदा गा थोड़े गोडे की स्टेबिलिटी बनाउण दे विच, बाकी ग्लूट्स का भी काम होंदा गा पर जो मेजर आपां फंक्शन करिए कि जिहदा 100% काम इधर ही होना गा वह मिनीमस है, मैक्सीमस ते मीडियस का भी काम होंदा गा वह 100% नहीं होंदा थोड़ा होंदा गा वो कम। दूसरा जिहड़ा मसला है गोडे की स्टेबिलिटी बनाउण दे विच वह भी बाहरले पासे होंदा, इस जगह दे उत्ते आई टी बैंड हो गया, इलियो टिबियल बैंड, मतलब जिहड़ा इलियक क्रैस्ट तो शुरू होकर अपना इस जगह तो शुरू होकर गोडे के पासे लत्त के पासे दी जांदा जांदा टिबिया दे विच इनसर्ट होंदा, मतलब थोड़े देखो किड्डा वड्डा लंबा मसल हैगा, ये ज़्यादा वड्डा नहीं कह सकते है पतला जिहा पर लंबा बहुत है, इत्थों शुरू होंदा गा थोड़े ये गोडे के नीचे इस हड्डी के नाल आके अटैच होंदा गा, जिवें स्क्रीन पर भी देख रहे हो हुण तुसीं, इन्हें गोडे नूं थोड़ी नूं आ पोजिशन दे विच कंट्रोल करके रखना होंदा, मतलब जे तुसीं थल्ले नूं जा रहे होंगे गोडा थोड़ा अंदर नूं जा रहा इदा कई बार लंजस दे विच गोडा अंदर नूं आ जांदा है तो थोड़ा इलियोटिबियल बैंड या फिर थोड़ा ग्लूट्स वीक है उहदे उत्ते कम स्टार्ट करो फिर ही थोड़ा गोडा सेफ होगा, क्योंकि इदा एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वध तो वध साल 6 महीने एक्सरसाइज कर सकोगे, साल 6 महीने बाद किसी गोडे च दर्द शुरू हो जाना है किसी ना किसी डॉक्टर नूं दिखाउणा तुसीं, डॉक्टर ने कह देना जी जिम बंद कर दो एक्सरसाइज बंद कर दो पैरां भार नहीं बैठना है, उहदे नाल गोडा थोड़ा होर खराब होना शुरू हो जाता फिर एट द एंड जाके रिप्लेसमेंट होंदी हैगी जां कोई ना कोई तरह की सर्जरी होंदी हैगी, रिपेयर वगैरह हो गया रिप्लेसमेंट हो गई इदां दी, ठीक है। तो कोशिश करो एक्सरसाइज सही तरीके नाल करो, नॉलेज लैके करो किहड़े एरिया नूं टारगेट करना उहनूं करो, जे तुहाडा गोडा बहुत ज़्यादा बाहर नूं निकल रहा है जो तुसीं नीचे नूं बैठने की कोशिश करते हो उदों इदां बाहर नूं फैल जाते हैं गोडे, तो थोड़ा अडक्टर मसल है जिहड़ा वो काम कर रहा हुंदा गोडे नूं स्टेबल रखने वास्ते जिहड़ा अंदरले पासे हुंदा इस एरिए दे विच हुंदा जिहड़ा, तो अडक्टर मसल नूं भी सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, गोडे की स्टेबिलिटी दे विच ये दो मसल्स का सब तो वध काम हुंदा गा, ये दो मसल्स नूं तुसीं ट्रेन कर सकते हो, गलतियां किहड़ियां-किहड़ियां अवॉइड करनियां तुहानूं दस्सदी, लंजस दे विच इदां अंदर नूं नहीं गोडा आउण देना, तो स्क्वाटिंग दे विच भी जदों स्क्वाट करके उठदे हो गोडे नूं मूव नहीं होण देना, इदां किसे पासे नूं भी नहीं मूव होण देना, उह चीज़ां ना होण उहदे करके तुसीं की कर सकदे होंगे, तां इहदे विच जिहड़ी एक्सरसाइज करनी आ तुसीं उहदे विच इस पोजीशन 'च लेट जाणा, ध्यान रहे बॉडी ना पूरी सीधी एक लाइन दे विच होणी चाहीदी है, इदां आए ना होवे शरीर, जे इदां अगे नूं गोल हो गया तां कोई एक्सरसाइज दा फायदा नहीं होना थोनूं, इहदा पूरी सीधी बॉडी होनी चाहीदी है स्ट्रेट लाइन दे विच, गर्दन दे थल्ले तुसीं सराहना भी रख सकदे हो जां इदां बांह भी रख सकदे हो, उस तो बाद जिहड़ी उपर वाली लत्त है इहनूं पूरा सीधा करके गोडे नूं, मतलब गोडा मुड़िया ना होवे गोडे नूं पूरा सीधा करके थोड़ा जिहा उपर चकना है,
थोड़ा अंदर नूं घुमा के पिछे नूं लैके जाना इस पोजिशन दे विच इत्थे रखना ध्यान रहे लत्त जे अगे नूं आजूगी तां तुहाडा ओह मसल टारगेट नहीं होना जिहड़े नूं आपां टारगेट करना लत्त दे विच पिछे रहनी चाहीदी है ऐ अंदर नूं घुमया होना चाहीदा है ध्यान रखोगे जदों तुसीं लत्त नूं उपर चकना बहुत ज़्यादा उपर चकन की कोशिश नहीं करनी क्योंकि जे ज़्यादा उपर जाने की कोशिश करोगे आह चीज़ ने इधर नूं आ जाना लक थोड़ा अगे नूं होजूगा तो इत्थे रखना तुसीं लक नूं इहदे इत्थे लक इत्थे स्टेबल रखना गा ना तो अगे नूं आउण देना ना पिछे नूं जाण देना इत्थे स्टेबल रखोगे उस तो बाद लत्त उपर चकोगे थोड़ी जी इत्थे होल्ड रखोगे अंदर नूं घुमा लोगे पिछे नूं लै जाओगे फिर वापस थले फिर उपर फिर थले उपर थले उपर थले ये सीधा भी कर सकते हो इदा पैर रख के भी कर सकते हो जरूरी नहीं कि अंदर घुमा सीधा पैर रख के भी इनू इदा कर सकते हो तुम उपर चकोगे थले लियाओगे दूसरी एक्सरसाइज हिप की मोबिलिटी भी जरूरी हैगी इस एक्सरसाइज में करने हिप की मोबिलिटी लिए तुम इस पोजिशन आके इस गोडिया इदा रख के बैक पूरी नॉर्मल होगी गोल नहीं करनी नॉर्मल बैक में इदा पिछे लैके जाओगे तुम इस पोजिशन बैठोगे फिर वापस अगे आ जाओगे फिर पिछे नूं जाओगे फिर वापस अगे आ जाओगे ये स्ट्रैच आऊगा थोड़ा थोड़ा जहा अंदरले पासे मसल्स से स्ट्रैच आऊगा तो यह स्ट्रैच झलना जिन्ना झलिया जाता ये ही थोड़े जिहड़ी हिप की मोबिलिटी है हिप जॉइंट थोड़ा लचकीला होगा जिन्हें थोनू जिहड़ी इस तो पहले एक्सरसाइज करवाई है वह करन दे विच हैल्प करनी है तो उस एक्सरसाइज ने थोड़े गोडे नूं स्टेबल रखने दे विच हैल्प करनी है तो अगली जो एक्सरसाइज है गोडे की स्टेबिलिटी बनाने वास्ते ताकि गोडे च कोई इंजरी ना होवे वो है सिंगल लैग स्टैंड या फिर सिंगल लैग आरडीएल्स मतलब तुसीं या तो रोमानियन डेडलिफ्ट नूं करो सिंगल लैग दे उत्ते या फिर सिंगल लैग स्टैंड करो सिर्फ कला यह भी थोड़े गोडे की स्टेबिलिटी बनाने वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है किवें करना है तुसीं इस पोजिशन दे विच आ जाना खड़े रहना बस सिर्फ इधरले गोडे दे उत्ते इनू 15-20 सेकेंट 30 सेकेंट 60 सेकेंट जिन्ना टाइम होल्ड कर सकते उन्ना टाइम होल्ड करना है फिर उस तो बाद पैर थले ला लेना है ध्यान रखोगे कि जो थोड़ा पैर उपर होगा जेडे पैर से तुम वेट दिता होगा इंबैलेंस होगा इदा हिलू मतलब बैलेंस बिगड़ू बॉडी का तो उ बैलेंस में तुम कंट्रोल करने की कोशिश करनी है उन्हें ही थोड़े गोडे की स्टेबिलिटी बनानी है या फिर दूसरी एक्सरसाइज जे तुम कर सकते हो रोमानियन डेडलिफ्ट करो इदा खड़े होवोगे एक पैर उपर पिछे जाओगे थले नूं जाओगे फिर वापस उपर यह एक्सरसाइज भी तुसी ऐड कर सकते हो अपने लैग वर्कआउट के भी ऐड कर सकते हो या फिर अपने जिस दिन तुसी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज़ करते होंगे हो उस दिन भी ऐड कर सकते होंगे तो यह एक्सरसाइज़ के नाल थोड़ा गोडा स्टेबल रहूगा गोडे के विच इंजरी होने के चांसिस घट होंगे ने ते अगली गल जे इंजरी हो भी जाती है मान लो कोई लिगामेंट टीयर हो जाते हैं कोई मिनिस्कस फट जाते हैं गे तो उस तो बाद थोनू एक्सरसाइज करनी जरूरी होंगी हैगी तो वह एक्सरसाइज के उत्ते भी अलग वीडियो बनाऊंगा कि जे आफ्टर सर्जरी रिकवरी के एक्सरसाइज कर सकते होंगे तो स्क्वाट्स सब तो बेस्ट है गोडे नू इंजरी तो बचाने वास्ते स्क्वाट्स के उत्ते भी ध्यान दिया करो डरिया ना करो सही तरीके लगाओ ज़्यादा हैवी लगाने की कोशिश ना करो सही फॉर्म के लगाओ ग्लूट्स नू टारगेट करके भी लगाओ क्वाड्रीसेप नू टारगेट करके भी लगाओ ग्लूट्स नू टारगेट करना भी जरूरी होंगे क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो ग्लूट्स ने बनानी है जो स्ट्रेंथ है थलों तह चकन की वो ग्लूट्स से क्वाड्रीसेप दोनों ने मिलकर बनानी हैगी तो यह एक्सरसाइज़ तुम कर सकते हो जे थोड़ा कोई गोडे के पेन वगैरह या इनस्टेबिलिटी लगती रही हैगी पर जे ज़्यादा दिक्कत हैगी जे थोड़ा लगता कि एक्सरसाइज़ करन तो बाद भी फायदा नहीं हों पर 2-4 दिन तुम करके देखी है फिर तुम ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी बॉडी के नाल फिर तुम इस जो नीचे वट्सएप नंबर दिता हुआ इस नंबर के उत्ते मैं वट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते होंगे तो थोड़ा हल होगा प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम होगी तुम कंसल्ट कर सकते होंगे होर इदा दीडियोज़ देखने वास्ते डॉक्टर जस फिटनेस चैनल सबसक्राइब कर लो क्योंकि इदा की होर बहुत सारी जानकारी आन द वे है जी थोड़े तक हाले लैके आनी है।